आदमी पार्टी आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। दिल्ली सचिवालय में उनके मंत्रिमंडल के सदस्य मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राजेंद्र पाल, गौतम इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत और गोपाल राय ने भी दिल्ली सचिवालय में पदभार संभाला। नए मंत्रिमंडल की बैठक भी जल्द होने की संभावना है, जिसके बाद मंत्रियों के विभागों की घोषणा की सकती है। नए मंत्रियों ने कहा कि विभाग अधिसूचित किए जाने के बाद दिल्ली सरकार के भावी कार्य का रोडमैप प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद गहलोत ने कहा कि गांधी घाट में उल्लेखित बिंदुओं को पूरा करना प्राथमिकता होगी। राय ने भी कहा कि गांधी घाट और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करना नई सरकार की प्राथमिकता